हाँ, अभी सूचना मिली थी कि ब्लूम चौक पे फ्रीजो आइसक्रीम वाले के ऊपर एवन हुक्का बार नाम से एक रंजीत बर्मन नाम के हुक्का बार चला रहा है, तो आज उस पर दबिश दी गई है। इसके रंजीत बर्मन के अलावा एक महिला और तीन बच्चे भी वहाँ से मिले हैं, और जो सामग्री पाई गई है वो सारी की सारी कार्सिनोजेनिक लेबल लगा हुआ है। और आगे भी इस तरह की कोई कार्रवाई जारी रहेगी पुलिस द्वारा? बिल्कुल, वरिष्ठ अधिकारीगणों के द्वारा बिल्कुल सख्त निर्देश दिया गया कि हुक्का बार संचालित नहीं होना चाहिए, और ऐसी जनप्रतिनिधि गणों की भी मंशा है तो हुक्का बार जब भी सूचना मिलती है उचित कार्रवाई करेंगे। इसमें कैंसर होने की आशंका है क्या? हाँ, कार्सिनोजेनिक लेवल सभी डिब्बों पे लगा है, मतलब जो भी चीज़ ये उपयोग कर रहे हैं उनसे कैंसर हो सकता है।